दोस्तों आज मैं जो आप लोगों सवाल पूछने वाला हूँ, रोजाना उपयोग करने वाले ऐसे वाक्य होते हैं, उन्हीं में से एक वाक्य ये भी है। दोस्तों देखता हूँ मेरे आज का जो सवाल है, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में कौन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों हर रोज की तरह आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी आप अच्छी तरह से इन वाक्यों का प्रयोग कर पाएंगे और जहाँ भी इन वाक्यों का जरूरत होगी आप आराम से इन वाक्यों का उपयोग कर पाएंगे। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, अपने वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए आए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा और ऑल पर क्लिक ज्वाइन कीजिए दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएं। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तुम मुझे उठा सकते हो क्या, तुम मुझे उठा सकते हो क्या। दोस्तों ऐसे होता है कभी कभी अपने हस्बैंड से अपने वाइफ भी बोलते हैं या अपने दोस्तों से भी हम ये वाक्य पूछते हैं कि तुम मुझे उठा सकते हो क्या। इस वाक्य को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं, नुव्वु नन्नु एत्तगलवा, नुव्वु नन्नु एत्तगलवा। तुम मुझे नुव्वु नन्नु उठा सकते हो क्या, उठाना एत्तडम, सकते हो क्या गलवा, नुव्वु नन्नु एत्तगलवा। अगर हमसे उम्र में कोई बड़े होंगे तो हम क्या बोलेंगे, आप मुझे उठा सकते हैं क्या, आप मुझे उठा सकते हैं क्या। मीरु नन्नु एत्तगलरा, मीरु नन्नु एत्तगलरा। आप मुझे, आप मीरु मुझे नन्नु उठा सकते हैं क्या, एत्तगलरा आप मुझे उठा सकते हैं क्या। तुम बहुत भारी हो मैं नहीं उठा सकता, तुम बहुत भारी हो मैं नहीं उठा सकता। नुव्वु चाला बरువుగా ఉన్నావు నేను ఎత్తలేను, నువ్వు చాలా బరువుగా ఉన్నావు నేను ఎత్తలేను। तुम, नुव्वु बहुत चाला भारी हो, बरువుగా भारी, बरువు भारी हो, बरువుగా ఉన్నావు मैं नेनु नहीं उठा सकता, ఎత్తలేను నువ్వు చాలా బరువుగా ఉన్నావు నేను ఎత్తలేను। मैं अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मैं अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ या आ रहा हूँ। नेनु इपड़े ఆయనని, ఆయనని मिलकर कलसी आ रहा हूँ, वस्तुन्नानु आ रही हूँ, वस्तुन्नानु मैं नेनु अभी इपड़ु अभी ही इपड़े उनसे आयननी, आयननी मिलकर कलसी आ रहा हूँ, वस्तुन्नानु आ रही हूँ, वस्तुन्नानु। दोस्तों मैं जिस प्रकार से बोल रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से सुनना है दोस्तों, और साथ ही आप इन वाक्यों का अभ्यास भी करना है दोस्तों, नहीं तो इतना जल्दी नहीं आने वाला, क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे और इन वाक्यों का जहाँ जरूरत होगा इनका उपयोग करेंगे ना दोस्तों, आप बहुत आसानी से तेलुगु में बात करने लग जाएंगे। मैं मछली लाने बाजार जा रहा हूँ, मैं मछली लाने बाजार जा रहा हूँ या जा रही हूँ। నేను చేపలు తీసుకురావడానికి సంతకి వెళ్తున్నాను, నేను చేపలు తీసుకురావడానికి సంతకి వెళ్తున్నాను। మే నేను మచ్లీ లానే కేలీ, మచ్లీ చేపలు లానే కేలీ తీసుకురావడానికి బజార్ సంతకి జా రహా హూ యా జా రహీ హూ వెళ్తున్నాను నేను చేపలు తీసుకురావడానికి సంతకి వెళ్తున్నాను। दोस्तों यहाँ पे मैंने चैपलू मछलियों के बारे में कहा है, अगर आप जो सा वस्तु आपको लाना होता होगा आप उन वस्तुओं का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको चिकन या मटन लाना होता होगा या सब्जियां लानी होती होंगी, आप इन शब्दों का उपयोग मछली के स्थान पर कर सकते हैं,
जैसे यहाँ पे मैंने कहा मैं मछलियाँ लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, उसी प्रकार आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं चिकन लाने के लिए बाजार जा रहा हूँ, मैं मटन लाने के लिए बाजार जा रहा हूँ, मैं सब्जियां लाने के लिए बाजार जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार दोस्तों इन वाक्यों को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं, बस इन शब्दों का अर्थों को जाने रहिए दोस्तों। जैसे चिकन, चिकन हम तेलुगु में क्या बोलेंगे दोस्तों, चिकेनु, मटन, मटनु। ऐसे दोस्तों ये जो मांस होता है इसे हम तेलुगु में मांसम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मांसम, क्या बोलते हैं, मांसम। लेकिन इनका पर्टिकुलरली इनका नाम दिया गया है चिकन और मटन, इनको हम अंग्रेजी शब्दों को हम तेलुगु में थोड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं अंत में, जैसे चिकेनु मटनु ऐसे। और सब्जियां लानी हो तो क्या बोलेंगे, कूरगायलु, क्या लाएंगे, कूरगायलु। इस प्रकार दोस्तों देखिए दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया है ना दोस्तों, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। कल हम सब मुंबई जाएंगे, कल हम सब मुंबई जाएंगे, रेपु मे मंदरम मुंबई की वेळ्तामु, रेपु मे मंदरम मुंबई की वेळ्तामु, कल रेपु हम सब मे मंदरम मुंबई मुंबई जाएंगे, वेळ्ताम या वेळ्तामु। इस प्रकार दोस्तों कल हम सब मुंबई जाएंगे, रेपु मे मंदरम मुंबई वेळ्तामु या मुंबई की वेळ्तामु। आपके घर में कौन कौन रहते हैं, आपके घर में कौन कौन रहते हैं, मी इंट्लो एवरेवरु उंटारु, मी इंट्लो एवरेवरु उंटारु, मी इंट्लो एवरेवरु, क्या कहा दोस्तों, एवरेवरु रहते हैं उंटारु। आपके घर में मी इंट्लो कौन कौन, एवरेवरु कौन कौन, एवरेवरु रहते हैं उंटारु, मी इंट्लो एवरेवरु उंटारु। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, नेनु मीतो कलवालनि अनुकोवटं लेदु, नेनु मीतो कलवालनि अनुकोवटं लेदु। मैं नेनु आपसे मीतो मिलना नहीं चाहता, कलवालनि कोटल लेदु, क्या कहा है दोस्तों, कलवालनि कोटल लेदु। इससे पहले मैंने क्या कहा, बस इस सब को थोड़ा अलग किया, क्या कहा, कलवालनि अनुकोटल लेदु। अगर इसी शब्दों को अगर हम जोड़कर थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, कलवालनि कोटल लेदु। दोस्तों मैं जैसे बोल रहा हूँ ना दोस्तों, आप इन्हीं शब्दों को 5 से 10 बार अभ्यास कीजिए दोस्तों, तभी आपका मुंह चलने वाला है। दोस्तों आज का जो मेरा सवाल है इसी विषय में है दोस्तों, इसी विषय में मतलब आज मैंने जो सीखा है उसमें से नहीं है दोस्तों, परंतु मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में इन वाक्यों का बहुत ही प्रयोग किया है, फिर भी मैं देखूंगा कि मेरे इस सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देते हैं। तो मेरा आज का सवाल है, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, इस वाक्य को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं दोस्तों। देखते हैं मेरे सवाल का जवाब सबसे पहले मेरे कमेंट सेक्शन में कौन देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे अभी आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नहीं आए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा और ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन पर आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार।